Hi everyone, welcome to my another vlog kind of video haul. So अभी मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी just टाशु को सुलाया अपने मेकअप करने से पहले. जब वो सोती है तभी मैं अपनी वीडियो शूट कर पाती हूँ. सो अभी उसको मैंने सुला दिया है और मैंने आज जो मेकअप किया है बहुत ही सिंपल किया है क्योंकि आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो वुमेन शर्ट हॉल पे है. तो शर्ट पे बेसिकली वुमेन बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला मेकअप नहीं करती, नॉर्मल सिंपल मेकअप करती है. सो मैंने नॉर्मल फाउंडेशन, लिपस्टिक एंड आईलाइनर लगाया है और आई शेडो भी मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि शर्ट हम ऐसी जगह पर वियर करते हैं लाइक नॉर्मल पार्टी हो या फिर कैजुअली कॉलेज जाते हैं तो उस जगह हम शर्ट वियर करते हैं, वहाँ पर कोई तड़क भड़क वाला मेकअप नहीं चाहिए. सो मैंने नॉर्मल मेकअप किया है और मेरा मेकअप और मेरा आउटफिट अभी मैंने वियर कर लिया है. मैं रेडी हूँ एकदम. आपको छोटी टिप बताना चाहूँगी कि अगर आपके बेबी हेयर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे कुछ ऊपर बेबी हेयर आ रहे हैं, तो उनको छुपाने के लिए, इंस्टेंट छुपाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल. को इंस्टेंट छुपाने के लिए मैं यूज़ करूँगी पतंजलि का एलोवेरा जेल. इसको मैं यहाँ पे अपने छोटे हेयर पे लगा लूँगी ताकि वो थोड़े से बैठ जाएँ और मुझे थोड़ा सा उभरा उभरा सा नहीं दिखे. कि देखिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लगा लिया ताकि मेरे हेयर जो हैं वो थोड़े से छुप जाएँ, ऊपर उठे हुए नहीं दिखें. बहुत ही अजीब से लगते हैं बेबी हेयर अलग से निकलते हैं जो. और अभी मुझे अपना हेयर कट भी लेना है, बहुत बड़े हेयर हो चुके हैं. तो मैं ट्राई करूँगी 3-4 दिन या 1 वीक के अंदर मैं अपना हेयर कट ले लूँ. मेरा बच्चा ये सो रहा है, अभी जस्ट मैंने इसको सुलाया है और ये बिखरा हुआ पड़ा है जिसका मुझे अभी वीडियो शूट करना है. और लाइट अब हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि अब हम बाहर जा रहे हैं, ताशु को सोने देते हैं. ये मैंने अपना सेटअप पहले से सजा के रख रखा था कि मैं आऊं और जस्ट मुझे वीडियो शूट करना पड़े, तो ये मेरा सेटअप हो चुका है. गाइस मैं अपने सेटअप पे आके बैठ चुकी हूँ एंड अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल. सो आज का वीडियो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वुमेन शर्ट हॉल. सो यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ी सी पार्टी वेयर और कैजुअल टाइप की शर्ट कुछ जो है वो परचेस करी है और ये सारी शर्ट जो है मैंने मिंत्रा से परचेस करी है. इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, परफेक्ट फॉर द समर. और आप इन्हें कैजुअली कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए या फिर छोटी मोटी जो पार्टी होती है ना उसमें भी वेयर कर सकते हो. बहुत ज़्यादा बड़ी वाली पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ. कैजुअली आपको ऐसा लगता है कि कुछ टॉप नहीं वेयर करना है, कम्फर्टेबल टाइप के कुछ क्लोथ पहनने हैं, तो उसमें आप इस टाइप की शर्ट को वेयर कर सकते हो. बहुत ही अच्छी है एंड एक बजट रेंज के अंदर है, लाइक 700 और 800 की रेंज में है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. एंड सारी शर्ट जो है वो ब्रांडेड है एंड इन सारी शर्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा. एंड ये ट्राई ऑन हॉल है तो मैं आपको साइड में ट्राई करके भी दिखा दूंगी कि ये वियर करने के बाद कैसी लगती है. और वैसे मेरे शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड किए हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि एक शर्ट को आप कितने डिफरेंट तरीके से जो है वो स्टाइल कर सकते हो. तो जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो भी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो के रिगार्डिंग, वो सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है. अब वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस. पहले जो मैं आप लोगों के साथ शर्ट शेयर करने जा रही हूँ वो ये पिंक कलर के चेक्स में है. पिंक एंड कुछ पर्पल एंड नेवी ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन का ये चेक्स है, जो कि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है. और ये इस पूरे हॉल में जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी शर्ट जो लगी है वो ये शर्ट है. इसकी आती है फुल स्लीव्स बट मैंने इसको फोल्ड कर रखा है, जैसे कि यहाँ पे बटन आता है ये फोल्डेड ही अच्छी लगती है तो मैंने इसको फोल्ड कर रखा है. और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है. इसका ब्रांड जो है वो मैक्स है एंड प्राइस 600 समथिंग कुछ है. वैसे मैं आपको प्राइस जो है वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप परचेस कर रहे होते तो उनका प्राइस कुछ और होता है, फिर कूपन कोड एंड डिस्काउंट अप्लाई करके उसका प्राइस जो है वो कम हो जाता है. मैंने जितना प्राइस पे किया वो मैं अपने अकाउंट से चेक करके आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. ब्रांड मैंने आपको बता दिया कि ये मैक्स है. ट्रस्ट मी गाइस, इस टाइप की शर्ट आप कैजुअली कॉलेज में वियर कर सकते हो, ऑफिस में वियर कर सकते हो एंड नॉर्मली मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो या विजिटिंग के लिए कहीं जा रहे हो तो भी आप वियर कर सकते हो. बहुत अच्छी लगती है एंड प्लस पॉइंट ये कि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी सुपर डुपर क्वालिटी है. लाइक 3-4 ईयर आपकी ये शर्ट कहीं पर भी नहीं जाने वाली अगर आप रेगुलरली वियर करते हो तो. और परफेक्ट ये है कि मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा है हर तरीके से. इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे. मुझे ये बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है. मैं ये वाली शर्ट ही आपको इस कलर कॉम्बिनेशन के लिए हाईली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि सबसे बेस्ट कलर ऑप्शन है एंड जो कॉम्बिनेशन है कलर का वो भी बेस्ट है. नाउ नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी एक शर्ट है, चेक्स की ही शर्ट है एंड इसका जो ब्रांड है वो रोड स्टार है. और रोड स्टार एक ऐसी ब्रांड है जो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में जो है वो शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, एवरीथिंग सेल करती है क्योंकि इनका जो ये जो ब्रांड है बहुत ही रिजनेबल प्राइस में देती है. कोई हाई फाइज के प्राइजेस नहीं होते हैं. मुझे बहुत अच्छी लगती है रोड स्टार ब्रांड क्योंकि रिजनेबल प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी के क्लोथ मिल जाते हैं. सो इसकी भी फुल स्लीव्स आती है. मैंने इसको फोल्ड नहीं किया, मैंने फुल स्लीव्स ही इसको स्टाइल किया, आपको दिखाऊंगी.
एंड ये बहुत ही अच्छा गुड क्वालिटी का कलर कॉम्बिनेशन है। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनको डार्क चेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, यूजुअली डार्क चेक्स के जो शर्ट होते हैं वो बहुत अच्छे से खिलते हैं, सो अगर आप ऐसे पर्सन हो आपको अच्छे लगते हैं तो आप डेफिनेटली ये वाली शर्ट ट्राई कर सकते हो। इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा क्वालिटी है। फ्रंट में आपको बटन मिलते हैं, बटन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप इसको अंदर कैमिसोल वियर करके या फिर ओपन बटन रख के और कोई टैंक टॉप वियर करके या फुल बटन बंद क्लोज करके या क्रॉप टॉप जैसे स्टाइल कर सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। एंड इसका जो कलर ऑप्शन है और कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है, बजट रेंज के अंदर है, लाइक 500-600 की रेंज में एक गुड क्वालिटी की शर्ट आपको मिल जाती है। आपको दिखाने जा रही है वो ये प्रिंटेड शर्ट है, शॉर्ट स्लीव्स की ये शर्ट है और ये भी अगेन टाई अप शर्ट है, क्रॉप टॉप जैसी शर्ट है। बात यह है कि इस पे गोवा वाली फील आ जाती है क्योंकि इस पे कुछ ट्री बने हुए हैं, बोट बनी हुई है, तो बिल्कुल गोवा वाली फील आती है। इस टाइप की शर्ट आप शॉर्ट्स के ऊपर, स्कर्ट के ऊपर स्टाइल कर सकते हो। आप ऐसे पर्सन हो जिसको थोड़ा सा शर्ट का लुक विद क्रॉप टॉप चाहिए तो ये वाली शर्ट एकदम बेस्ट है। प्राइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल, लाइक 650 अप्रॉक्स कुछ है और इसका ब्रांड जो है वो ओनली है, साइज मेरा मीडियम है और ये थोड़ी लूज काइंड ऑफ लगती है तो थोड़ी अच्छी वाली फील भी आती है। आप शॉर्ट्स के ऊपर और स्कर्ट के ऊपर इजिली स्टाइल कर सकते हो, क्रॉप विद लूज पैटर्न वाली ये शर्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल की ये शर्ट है और यहाँ पे थोड़ा सा फोल्डेड स्टाइल आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। सो पर्सनली मैं ये वाली शर्ट भी आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। इसका एमआरपी प्राइस जो 2000 रुपीज है बट इन द सेल मैंने इसको जो है 650 अप्रॉक्स कुछ में खरीदा है। सो डेफिनेटली आप इस शर्ट को खरीद सकते हो। ये जो है बेसिकली वेकेशन के लिए एकदम परफेक्ट शर्ट है। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ब्यूटीफुल सी ब्लैक कलर की प्योर कॉटन की शर्ट। वैसे तो यूजुअली गर्ल्स जो है वो शॉर्ट स्लीव्स की शर्ट वियर करना पसंद करती है। अगर वो प्लेन शर्ट में प्लेन डिज़ाइन में अगर कोई शर्ट परचेस कर रही है तो फुल स्लीव्स में भी जो प्लेन कलर के शर्ट होती है वो अच्छी लगती है। बट मुझे मोस्ट ऑफ ब्लैक कलर के अंदर जो है वो शॉर्ट स्लीव्स में ही अच्छा लगता है शर्ट, तो मैंने यहाँ पे पिक किया शॉर्ट स्लीव्स का शर्ट और ये वी नेक के साथ आपको मिलता है। आपको ऐसे फुल कॉलर वाला शर्ट नहीं मिलता, ये वी नेक के अंदर मिलता है क्योंकि इसका जो वी नेक है बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें आप अपनी पसंद का कोई भी नेक पीस वेयर कर सकते हो। यूजुअली जो डेंटी ज्वेलरी आती है लाइक चेन टाइप की या फिर जो गोल्डन की जो ज्वेलरी आती है ना, चेन समथिंग कुछ, वो ही स्टाइलिश लगती है। एंड आप चाहो तो इसके ऊपर कोई भी डेनिम का जैकेट भी स्टाइल कर सकते हो, एक अलग टाइप का लुक आ जाएगा। मेरे पास वैसे जैकेट जो था वो थोड़ा छोटा हो चुका था तो मैं उसको यूज़ भी नहीं करती, इसलिए मैंने उसको स्टाइल नहीं किया। बट मैं आपको ये सजेशन देना चाह रही हूँ कि आप इस पर डेनिम का जैकेट या कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ जैकेट हो जो ब्लैक कलर से अलग हो तो आप स्टाइल कर सकते हो, एक अलग सा लुक आ जाएगा। सो ये हाफ स्लीव्स का ये शर्ट है, वी नेक आपको मिलता है एंड साइड में आपको पॉकेट मिलती है, बिल्कुल भी ऑड नहीं लगती, विजिबल नहीं होती है पॉकेट। सो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये शर्ट है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसका ब्रांड भी जो है वो रॉड स्टार है, सो अगेन बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, 400-500 की रेंज में है। एंड ये सारी जो शर्ट है मैंने अगेन डिस्काउंट में परचेस करी है। आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी हमेशा कि मिंत्रा पे प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं बट आप हमेशा डिस्काउंट के अंदर ही परचेस करें। ये प्योर कॉटन की है और इसका मटेरियल जो है वो स्ट्रेची नहीं है। कॉटन में भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल आते हैं जो थोड़े स्ट्रेचेबल होते हैं बट ये स्ट्रेचेबल मटेरियल की नहीं है, प्योर कॉटन की शर्ट है। लुकिंग बहुत ही अच्छी आई है इसकी। इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लेन ब्लैक कलर में जो ये शॉर्ट स्लीव्स की जो शर्ट आती बहुत ही अच्छी लगती है, आप जरूर ये ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो मैं आपको शर्ट दिखाने जा रही हूँ, आप अगर ऐसे पर्सन हो जिनको शॉर्ट जो टाई वाली शर्ट आती है टाई अप करने वाली, अगर वो शर्ट अच्छी लगती है तो ये बहुत ही अच्छा गुड ऑप्शन है। वैसे तो आप कोई भी शर्ट को जो है टाई अप करके शॉर्ट क्रॉप शर्ट बना सकते हो बट आपको ऐसा क्रॉप करके पसंद नहीं है लॉन्ग शर्ट को तो आप ये क्रॉप शर्ट जो है वो ट्राई कर सकते हो। ये आती है येलो कलर की विथ हार्ट, व्हाइट कलर के हार्ट इस पे बने हुए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है इसका। एंड इसका जो ब्रांड है वो मिस F21 है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी मुझे इसकी एंड प्रिंट बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको बहुत सारे प्रिंट के ऑप्शन देखने को मिलेंगे बट थिंग इज दैट कि मुझे इसमें येलो कलर बहुत अच्छा लगा था, थोड़ा सा खिल रहा था, लाइक आप कोई भी डेनिम मतलब ब्लू कलर की डेनिम जीन्स के साथ में स्टाइल करो वाइट लेग की तो बहुत ही अच्छा लगता है। मटेरियल बहुत अच्छा है, शॉर्ट स्लीव्स के साथ में आता है एंड नीचे जो आपको ये टाइप करने के लिए लेसेस मिलती है ये भी थोड़ी अच्छी खासी लॉन्ग है, मतलब जितना टाइप करने के लिए चाहिए उतनी ही लॉन्ग है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, मटेरियल भी बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 500-600 की रेंज में। अगेन आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और जितनी भी ये सारी शर्ट जितनी भी मैंने आपको दिखाई है उनमें सब में मेरा साइज जो है वो मीडियम है और अगर आप मेरी बॉडी शेप के हो तो आप मीडियम साइज पिक कर सकते हो, एकदम अच्छी फिटिंग आएगी एंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मटेरियल बहुत ही अच्छा है। और ये वाली शर्ट भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये वियर करने के बाद इसकी लुकिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट आई है।
सो लास्ट शर्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये ब्यूटीफुल सी रेड कलर की शर्ट है जो अभी मैंने वियर कर रखी है। इस पर व्हाइट कलर के डोटेड है एंड ये यहाँ पे स्ट्रैप, यहाँ पे इलास्टिक स्ट्रैप मिलता है जिससे यहाँ पे इसका ब्यूटीफुल सा बलून शेप आता है। वी नेक की ये शर्ट है जिसमें आप ब्यूटीफुल सा नेक पीस पहन के इसको स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये थोड़ी सी क्रॉप टाइप की शर्ट है, इस टाइप की शर्ट जो है आप पार्टी वेयर लुक के लिए स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है विद वाइड लेग जीन्स एंड हील्स वियर करके या स्टिकर वियर करके अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो। मुझे पर्सनली ये शर्ट बहुत अच्छी लगी क्योंकि एक थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक देता है एंड शर्ट की जो इच्छा होती है पहनने की वो भी कंप्लीट हो जाती है। सो ये मैं आपको पार्टी वेयर लुक के लिए हाईली रिकमेंड करती हूँ। प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल 600 और 650 की रेंज में है। मैं अपने अकाउंट से चेक करके आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। साइज मेरा मीडियम है सो आपको पता चल गया होगा कि दिखने में कितनी अच्छी है। ट्राई ऑन आप साइड में देख लीजिए तो स्टाइल करने के बाद कैसी लगती है वो आपको पता चल जाएगा। सो गाइज आई होप जो मैंने एक वुमेन शर्ट हॉल वीडियो बनाया आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। एक्चुअली मैं कब से सोच रही थी क्योंकि मेरे पास भी शर्ट का इतना कुछ खास कलेक्शन नहीं है, सो आई थॉट कि मैं एक शर्ट का कलेक्शन बना लूँ ताकि मेरे पास भी कुछ अच्छा शर्ट का कलेक्शन हो जाए। बिकॉज शर्ट को हम बहुत तरीके से स्टाइल करके डेनिम जीन्स के साथ में वियर कर सकते हैं। सो मैंने ये हॉल वीडियो बनाया है, अच्छे खासे अपने एफर्ट्स दिए हैं। अब आपको लाइक बटन प्रेस करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फीडबैक देना है कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ट्राई ऑन हॉल कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो, और वीडियो का लिंक जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हो। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइज। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ फैशन विद चेतना, एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज। और जो मेरा ये ब्लॉक पैटर्न का हॉल वीडियो वो आपको कैसा लग रहा है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस। बाय बाय।